नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद ख़ास कार्यक्रम, जो आपको रूबरू कराता है दुनिया भर में हो रही तमाम घटनाओं से। दुनिया की बड़ी खबरों के अलावा इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं हमारे पड़ोसी देश में घटी कोई घटना क्यों अहम है। मिलवाते हैं उन खास शख्सियतों से जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज को प्रभावित कर रही हैं, और लेते हैं उन देशों की खबर भी जिनके बारे में आप शायद ज़्यादा ना जान पाए हों, लेकिन दुनिया की सियासत को वो अपने ढंग से बदल रहे हैं धीरे धीरे ही सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, होंगी कुछ हल्की फुल्की बातें भी, कुछ अनकही कहानियां और दुनिया के उन देशों की सैर जिनको हमने अब तक कम देखा है, कम जाना है। अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ, हम लाए हैं आपके लिए सारा जहां। और इससे पहले कि हम अपनी बड़ी खबर का रुख करें, आइए देखते हैं सारा जहां की खास खबरें। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खड़ा हुआ संवैधानिक संकट, प्रधानमंत्री पद के लिए गिलानी अयोग्य करार, चुने गए नए प्रधानमंत्री। यूरोजोन कर्ज संकट की छाया में G20 देशों का सम्मेलन मैक्सिको में संपन्न, घोषणा पत्र में विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता। नेपाल में संवैधानिक संकट के बीच चुनावों की घोषणा से मंडरा रहा है गृह युद्ध का खतरा, विभाजित हुई माओवादी पार्टी के एक धड़े ने किया जनयुद्ध का ऐलान। और सबसे पहले शुरुआत इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने NRO मामले में अदालत की अवमानना करने वाले प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद के अयोग्य करार दे दिया। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नए प्रधानमंत्री का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का नेतृत्व राजा परवेज करेंगे। और सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भले ही बदल गए हों, लेकिन उसके सामने भी क्या गिलानी जैसा संकट बरकरार तो नहीं रहेगा? पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून के फैसले में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद के लिए अयोग्य करार दे दिया। गिलानी को यह सजा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों पर अदालत का कहना नहीं मानने पर मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को गिलानी को अदालत की अवमानना करने का दोषी करार दिया था और उन्हें सांकेतिक सजा सुनाई थी। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या गिलानी पद पर बने रहने लायक है। कोर्ट ने पाकिस्तान की संसद से गिलानी की योग्यता तय करने को कहा, लेकिन संसद ने गिलानी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इसी के बाद 19 जून को अदालत ने गिलानी के संसद सदस्यता के साथ उनके प्रधानमंत्री पद को ही गैर कानूनी करार दे दिया और ये फैसला 26 अप्रैल से ही लागू माना गया। इसी तारीख से गिलानी के सारे निर्णय रद्द माने गए। मिस्टर यूसुफ रजा गिलानी बिकेम डिस्क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली एज ए मेंबर और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड दैट ही हैज सीज्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 26 अप्रैल 2012 एंड फर्दरमोर द इलेक्शन कमीशन हैज बीन डायरेक्टेड टू इशू a notification with effect from 26 April 2012 denotifying him as a member of the National Assembly and consequently as Prime Minister. सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगामी आम चुनावों समेत कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अदालती फैसले को चुनौती न देना ही बेहतर समझा। बहरहाल गिलानी ने जरदारी पर हुए वार अपने सीने पर झेलते हुए शहीद का दर्जा हासिल कर लिया। इसके बाद नए प्रधानमंत्री की खोज में कपड़ा मंत्री मखदूम शाहबुद्दीन का नाम उछला, लेकिन नाम सामने आने के कुछ ही घंटों बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। शुक्रवार को नेशनल असेंबली की बैठक में राजा परवेज अशरफ को नया प्रधानमंत्री चुना गया और देर रात उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। परवेज पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। शपथ ग्रहण के बाद जरदारी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। The dictators of democracy have long been hounding the former Prime Minister Yusuf Raza Gilani. They thought that the coalition will not be able to agree to a new leader of the house. They hope that it will give them a chance to send the house packing and create political uncertainty. They have been proven wrong. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नए प्रधानमंत्री के सामने भी वही संकट होगा जो गिलानी के सामने था। कोर्ट के आदेश के बावजूद गिलानी ने जरदारी के खिलाफ
भ्रष्टाचार मामले खुलवाने के लिए स्विस अधिकारियों को खत नहीं लिखा था। दरअसल जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में एनआरओ एक्ट पास करके जरदारी सहित 8,000 लोगों को भ्रष्टाचार मामलों में छूट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी के इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। गिलानी ने अदालत में कहा था कि एनआरओ के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक छूट हासिल है। बहरहाल पाकिस्तान की राजनीति और फौज को समझने वाले इस फैसले को अदालती तख्ता पलट करार दे रहे हैं और मानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी फौज की बड़ी भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजसभा टीवी। और इस मुद्दे को बेहतर समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विवेक कारजू जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझते हैं। विवेक कारजू साहब, जिस तरह से हमने देखा गिलानी साहब तो चले गए, लग नहीं रहा था कि उन्हें जाना है, जिस तरह से वो पिछले 2 महीने से कंटिन्यू किए हुए थे, लेकिन अब जो नए नाम का ऐलान हुआ है उसमें किस तरह की पॉलिटिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं? मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिखता, क्योंकि जो मामला गिलानी साहब के सामने था वही नए प्रधानमंत्री के सामने भी है। सवाल तो यह है कि किस तरह न्यायपालिका का जो आदेश है उसको माना जाए, और न्यायपालिका ने साफ किया है कि एनआरओ मामले में जरदारी साहब के खिलाफ स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखा जाए, तो वो मामला तो वहीं का वहीं है और नए प्रधानमंत्री को भी वही फैसला लेना पड़ेगा जो कि मुझे लगता है गिलानी साहब ने लिया, क्योंकि ये गलती गिलानी साहब की नहीं बल्कि उनके पद पे जो भी रहेगा उसको इसी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। मैं सुन रही थी कुछ लोग पाकिस्तान में उनके बयानात सुन रही थी, कुछ लोग खुश नजर आ रहे थे कि अच्छा है भ्रष्ट सरकार को सजा मिली, भ्रष्ट प्रधानमंत्री को सजा मिली, लोग क्योंकि वहाँ तंग हैं, काफ़ी बेरोजगारी है, हम जानते हैं किस तरह से नौकरियाँ नहीं हैं लोगों के पास, बिजली पानी तक की समस्या है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो अदालत ने वहाँ पर जिस तरह का फैसला दिया है, क्या आप इसको जुडिशियल ओवररीच मानते हैं या आप लोगों की राय से सहमत हैं? देखिए, अब मैं इसको जुडिशियल ओवररीच नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जुडिशरी ने एक संदर्भ में यह फैसला दिया। एनआरओ का एक बैकग्राउंड था, एक पृष्ठ था, भूमि थी उसकी, और उसके तहत उन्होंने ये कहा कि तहकीकात तो करवाइए ही आप, स्विस अधिकारियों को ये लिखिए कि जरदारी साहब के सामने जो मामला था वो खुला रखें। प्रश्न इम्यूनिटी का आता है और ये हर संविधान में रहता है कि राष्ट्रपति जब तक कोई बना हुआ है उसको क्रिमिनल मामलों में, फौजदारी के मामलों में इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकता। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो वो संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे वो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है? नहीं, मेरा ये मानना है कि इम्यूनिटी की बात तो बाद में आती, पहले उन्होंने तो कहा कि आप खत लिखिए कि जो मामले चल रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएं। इसमें इन्होंने कहा कि इम्यूनिटी का मामला, इम्यूनिटी के मामले पर कभी भी वहाँ की न्यायपालिका के सामने इन्होंने इम्यूनिटी की दलीलें विस्तार में नहीं दी, यानी सरकार ने विस्तार में नहीं दी, क्योंकि यह हर न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि इम्यूनिटी वो अपने संदर्भ में इंटरप्रेट करे। हमारे कुछ जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ओवररीच है, जुडिशियल ओवररीच है, तो क्या हमारे वहाँ जुडिशियल कई मामलों में ओवररीच नहीं हुई है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में अब न्यायपालिका के सामने और कोई चारा था नहीं। उन्होंने 3 साल हुए एक निर्णय दिया, अगर उस निर्णय का पालन नहीं हो रहा है तो वो क्या करें? लेकिन जिस तरह से जो वहाँ डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के जो वकील हैं, जो वकालत करते हैं, उनका ये मानना है कि ये बुरी ही सही लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट है और लोगों के जरिए चुनी गई गवर्नमेंट है, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुझे तो इसमें इस दलील में कोई ख़ास जोर नहीं दिखता है। वहाँ की जो सरकार है उसके पीछे जो तत्व हैं वो तो सबको मालूम है। अब जो पाकिस्तान के बुनियादी ढांचा है वो कोई क्या डेमोक्रेटिक है? हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के डेमोक्रेटिक हो जाए, या दूसरी सरकारों से बेहतर रहा होगा ये? अब किस मामले में बेहतर रहा? कि लोगों ने चुना और ये कि नागरिक सरकार थी, लोगों के जरिए चुनी गई, आर्मी का रोल कम माना गया इसमें। आर्मी का रोल कहाँ कम है? जो बुनियादी मसले हैं पाकिस्तान में, क्या उसमें आर्मी का रोल कम है? हाँ, आमी ने ये कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से आके कू नहीं करेंगे, हम सरकार की बागडोर खुद नहीं संभालेंगे। पहले भी अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो आमी ने हमेशा बहुत संकोच के साथ बागडोर संभाली सरकार की।
हाँ, लेकिन जब संभाली तो पूर्ण रूप से संभाली। लेकिन पाकिस्तान की जो असलियत है वो तो ये है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की जो हलका है उस पर तो आमी का पूरा दबदबा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, अगले साल के शुरुआत में वहाँ पर चुनाव है, ये पूरा जो राजनीतिक और जुडिशियल जो खेल देखा गया, आपको क्या लगता है पीपीपी के जो यानी उसके पर क्या असर पड़ेगा वोटर्स के माइंड पर? आपको लगता है कि अपोजिशन इसका अच्छा फायदा उठा सकता है? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक ढकोसला लगती है। जिस वक्त तक पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सुरक्षा पर हावी है, जिस वक्त तक सब राजनीतिक दल किसी ना किसी तरह फौज का रुख देखते हैं, तो ये तो ड्रामा चलते रहेंगे। क्या नवाज शरीफ आए, पीपीपी रहे, क्या एएनपी आए, चाहे और आए, क्या ये हमें ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि वहाँ की राजनीति और हमारी की राजनीति में बहुत फर्क है? और आपको ये भी पता नहीं है कि अगले 6 महीने में वहाँ कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो अगले साल होने वाले चुनाव पर असर भी डाल सके? एक बुनियादी चीज़ रहेगी कि फौज का दबदबा उनकी सुरक्षा नीति पर, उनकी भारत नीति पर, उनकी अमेरिका की नीति पर, उनकी न्यूक्लियर नीति पर पूर्ण रूप से रहेगा। और तब तक सही मायनों में आप नहीं मानते कि सिविलियन गवर्नमेंट वाकई उसको हम कह सकते हैं जब तक कि फौज का असर उस पर? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक राजू जी सारा जहां से बातचीत करने के लिए। जी हाँ, तो फिलहाल यहाँ सारा जहां में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ मसले और सवालों की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा जहां और अब कार्यक्रम का खास हिस्सा मसले और सवाल। विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 देशों का सम्मेलन 18 और 19 जून को मेक्सिको के शहर में आयोजित हुआ। यूरोजोन कर्ज संकट की छाया में हुए सम्मेलन में जारी हुए घोषणा पत्र में विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता पर सहमति बनी। इसे भारत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। मैक्सिको के खूबसूरत शहर लॉस कैम्बोस में हुए G20 देशों का 7वां शिखर सम्मेलन 18 और 19 जून को आयोजित हुआ। यूरोजोन कर्ज संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी की छाया इस पूरे सम्मेलन में दिखी। ये भी आशंका जताई गई कि यूरोप की समस्याएं पूरी दुनिया के आर्थिक विकास को ठप कर सकती हैं। सम्मेलन की शुरुआत मेजबान मैक्सिको के राष्ट्रपति फेलिप कैलडरॉन ने की। Yo confío en que en esta reunión del G20 podemos definir un plan de acción con visión de largo plazo. Un programa verdaderamente integral para el desarrollo humano sostenible que queremos. Un programa como el que todos anhelamos para nuestros pueblos, que permita recuperar el crecimiento, generar empleo, proveer condiciones de igualdad de oportunidades que generen justicia y desde luego que cuente este plan con mecanismos adecuados para darle un puntual y adecuado seguimiento. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने यूरोजोन संकट से निपटने के लिए 10 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया। भारत समेत ब्रिक्स के सदस्य देशों ने यूरोजोन के लिए कुल 75 अरब डॉलर की मदद देने पर सहमति जताई। ये राशि यूरोजोन के देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 430 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने वैश्विक आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने और इसमें G20 देशों के योगदान पर जोर दिया। A strong message, I suggest, should come from the summit of our collective resolve to tackle these problems head on. There seems to be growing skepticism regarding the effectiveness of the group of 20, and we have to counter this growing impression.
विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 की समाप्ति पर जारी घोषणा पत्र में विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता पर सहमति हुई। इसका मकसद वैश्विक वृद्धि को गति देना है। इसे भारत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वैश्विक वृद्धि को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश जरूरी है। वैश्विक उत्पादन में G20 देशों का योगदान करीब 80% है। 1990 में गठित G20 के देश वैश्विक GDP का लगभग 90% है। वैश्विक व्यापार का 80% और दुनिया की आबादी के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात चल रही है सारे जहां की, लेकिन आइए नजर डालते हैं हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है। संवैधानिक संकट से जूझ रहे नेपाल में गृह युद्ध का संकट मंडरा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का विभाजन हो चुका है और उग्र जो धड़ा है उसके नेता किरण वेद ने जनयुद्ध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दशक भर तक हिंसा की आग में झुलसे नेपाल के सामने लोकतंत्र को कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। नेपाल लोकतंत्र की राह में लड़खड़ा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 27 मई तक नेपाल की सत्तारूढ़ माओवादी गठबंधन सरकार को संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसके लिए 27 मई देर रात तक संविधान सभा में सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन भाषा और जाति के आधार पर देश में नए राज्यों के गठन समेत कई मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। उसी के कुछ घंटों बाद रात 12 बजे नेपाल के प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने टेलीविजन पर संविधान सभा भंग करने के साथ 22 नवंबर को चुनावों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, नया जनादेश लेकर नई संविधान सभा बनेगी। पुराना राजनीतिक दलहरूले अन्त्यमा आएर संघीयताको प्रश्नमा नै अड्काउने काम गरे, त्यसैले मुख्य रूपमा हामीले संविधान निर्माण गर्न सकेनौ। प्रधानमन्त्री की इस घोषणा के बाद सरकार में शामिल 3 दलों ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। नेपाली कांग्रेस, CPN-UML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनवादी समेत नेपाल के 5 बड़े राजनीतिक दलों ने भट्टराई के इस्तीफे की मांग की है। उनका मत है कि जब कोई संविधान ही नहीं है तो प्रधानमंत्री भी अवैध है और नए चुनावों की रूपरेखा भी अनिश्चित है। इधर नेपाल की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन और रैलियों का दौर जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष भी हुआ। नेपाली प्रधानमंत्री पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भट्टराई से बातचीत में नेपाल को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। Referring to the internal situation in Nepal, Prime Minister Bhattarai noted that on the what is called the peace process and integration, there had been great progress and the issues had been more or less settled. But the drafting of the constitution was not completed by the May 27th deadline, and hence they had no option since the Supreme Court had said that the Constituent Assembly could not be extended. So the decision was to seek another election. As far as our Prime Minister is concerned, he reiterated that India wants the success of democracy in Nepal, and he expressed the hope that all parties would show the wisdom to work together so that acceptable arrangements are made to complete the constitution-making process on time. लेकिन इस बीच नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकीकृत में फूट पड़ गई है। उग्र धड़े के नेता मोहन किरण वैद्य ने सहयोगी भट्टराई और प्रचंड पर पार्टी को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पर यकीन नहीं, इसीलिए वो अब जन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वैद्य ने कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम से अपनी पार्टी बनाई है। इससे पहले से अस्थिरता से जूझ रहे नेपाल में संकट गहरा सकता है, क्योंकि 1996 से एक दशक तक सेना और माओवादियों के बीच खूनी संघर्ष के बाद 2006 में संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन 2008 में चुनाव होने के बाद से अब तक 5 प्रधानमंत्री बदल चुके और संविधान सभा का कार्यकाल बार बार बढ़ाए जाने के बाद भी आखिरकार देश में संविधान नहीं बन सका। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आपने देखी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ और खबरें संक्षेप में। नेपाल
नॉर्वे में 77 लोगों की हत्या के आरोपी एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक के खिलाफ 10 हफ्तों से जारी मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है। ब्रेविक को 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। ब्रेविक ने पिछले साल 22 जुलाई को 77 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की थी, लेकिन उसका बचाव कर रहे वकीलों ने उसे मानसिक रूप से बीमार करार देते हुए कम सजा की मांग की है। लेकिन अभियोजन पक्ष चाहता है कि 33 साल के ब्रेविक को पागल करार दिया जाए और उसे पागलखाने भेज दिया जाए। मिस्र में अनिश्चितता का दौर जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में भारी अनियमितता की शिकायतों के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा को टाल दिया गया है। इस दौरान मिस्र में सत्ताधारी सैन्य परिषद के विरोध में काहिरा के तहरीर चौक पर विशाल प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में मुस्लिम ब्रदरहुड और दूसरे राजनीतिक संगठन भी शामिल हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने देश की संसद को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद सैन्य परिषद ने उसे भंग कर दिया और कई अहम शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। सैन्य परिषद ने हालांकि नव निर्वाचित राष्ट्रपति को इस महीने के अंत तक सत्ता लौटाने का वादा किया है। भयानक कर संकट में फंसे ग्रीस में 6 हफ्तों के भीतर हुए दूसरे संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला है। एनडीपी के नेता एंटोनिस समारास ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। उनकी पार्टी बेलआउट पैकेज की समर्थक है और इसी के साथ ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने का खतरा टल गया है। बेलआउट पैकेज का विरोध करने वाली सिरिजा पार्टी चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ग्रीस चुनाव के नतीजों का स्वागत किया है। ग्रीस सरकार ने बेलआउट से उबरने के लिए 2 साल और समय दिए जाने की मांग की है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को शरण देने पर विचार कर रहा है। जमानत पर रिहा चल रहे असांज 19 जून को नाटकीय तरीके से लंदन में इक्वाडोर के दूतावास पहुंचे और राजनीतिक शरण की मांग की। असांज पर स्वीडन की अदालत में उनके साथ काम करने वाली 2 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने भी असांज की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने स्वीडन प्रत्यर्पण नहीं किए जाने की अपील की थी। असांज को डर है कि स्वीडन से उन्हें अमेरिका भेजा जा सकता है, जहां उन पर नए मुकदमे चल सकते हैं। विकीलीक्स ने अमेरिका सहित कई देशों को खुफिया जानकारी लीक करके मुश्किल में डाल दिया था। पर्यावरण और सतत विकास के एजेंडे वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 22 जून को संपन्न हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने रियो प्लस 20 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने चिंता जताई कि विश्व में पर्यावरण संबंधी समस्याओं की लंबी सूची से निपटने के लिए समय कम होता जा रहा है। पर्यावरण की चिंता पर चर्चा के लिए 20 से 22 जून के दौरान लगभग 110 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें शिरकत की। और दुनिया की बड़ी खबरों के बाद पड़ोसी देशों में हो रही वो अहम घटनाएं जिनका असर भारत पर हो सकता है। तालिबान आतंकवादियों ने गुरुवार की रात राजधानी काबुल के बाहर एक होटल में हमला करके कई लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों ने 12 घंटों तक चले मुकाबले में होटल को खाली तो करा लिया, लेकिन इस संघर्ष में 20 लोग मारे गए। होटल में 5 आतंकी भारी हथियारों के साथ घुसे और कब्जा कर लिया। आतंकियों ने हालांकि 18 महिलाओं और बच्चों को बाद में आजाद कर दिया था। होटल में अधिकतर विदेशियों की आमद की वजह से इसे निशाना बनाया गया। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लियो यांग समेत शनिवार को अंतरिक्ष पहुंचे 3 एस्ट्रोनॉट ने शुभकामना संदेश भेजा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने 22 जून को अपने परिवार से भी बातचीत की। ये अंतरिक्ष मिशन 13 दिनों का है। 16 जून को शंजो 9 अंतरिक्षयान 3 यात्रियों को लेकर गोबी के मरुस्थल से रवाना हुआ था। ये चीन का 4th अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें इतने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया। अभी तक सिर्फ अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा था, लेकिन अब चीन ऐसा करने वाला दुनिया का 3rd देश बन गया है। जापान सरकार सुनामी के बाद बंद हुए परमाणु रिएक्टरों को दोबारा खोलने का ऐलान तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन सरकार की इस नीति के समर्थकों और विरोधियों ने सैकड़ों की संख्या में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। एक वर्ग का मत है कि बिजली जरूरी है, जबकि दूसरे का मत है कि बिना बिजली तो रह लेंगे, लेकिन रिएक्टर के साथ रहना मंजूर नहीं। दरअसल देश की 30% बिजली परमाणु ऊर्जा से बनती है और इनके बंद होने के बाद देश में बिजली का संकट हो गया है।
इंडोनेशिया की अदालत ने 2002 के बाली बम धमाके के आरोपी उमर पाटेक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसमें 202 लोग मारे गए थे। अदालत ने पाटेक को हत्या और विस्फोट का दोषी करार दिया। पाटेक को घटना के 10 साल बाद सजा मिली है। बाली इंडोनेशिया का मुख्य पर्यटन स्थल है और बाली धमाके में मारे गए लोगों में ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। 25 सालों में पहली बार यूरोप दौरे पर गई म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूची ने 21 जून को ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। ब्रिटेन में इस तरह का सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है। अपने भाषण में म्यांमार को बर्मा के नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बर्मा को संसदीय लोकतंत्रों से सीखने की जरूरत है। सूची ने म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन की ओर से लागू किए गए सुधारों का भी स्वागत किया। ब्रिटेन ने थेन सेन को भी अपने यहाँ आमंत्रित किया है। तो फिलहाल सारा जहां में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे समंदर के आर पार की दुनिया में क्या बदल रहा है और साथ ही आपको कराएंगे एक खूबसूरत देश की सैर। ब्रेक के बाद सारा जहां में आपका स्वागत है और अब कुछ हल्की फुल्की खबरें समंदर पार से। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लोग बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में इन दिनों काफ़ी गर्मी पड़ रही है और तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 14,000 लोग 21 जून को प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर में जमा हुए और योग के जरिए गर्मी और दिमागी तनाव भगाने की कोशिश की। टाइम्स स्क्वायर में पिछले 10 सालों से योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के ही सैन डियागो के समुद्री किनारे पर कुछ दिनों पहले सर्फिंग के शौकीनों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, लेकिन सर्फिंग के इन शौकीनों में इंसान के साथ कुत्ते भी शामिल हो गए। लगभग 50 कुत्तों में ने इस प्रतियोगिता में शानदार सर्फिंग की और उसका नज़ारा पेश किया। ये मौका दरअसल 7वें एनुअल डॉग सर्फिंग कॉम्पिटिशन का था। जीतने वाले कुत्ते और उसके मालिक को छुट्टी बिताने का शानदार ऑफर दिया जाता है। चीन के झेजियांग प्रांत में इतवार के दिन अचानक सबसे व्यस्त सड़क में ट्रैफिक एकदम से रुक गया। इसकी वजह ये थी कि लगभग 5,000 बत्तखें सड़क पार कर रही थीं। खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी बत्तख को कोई चोट नहीं पहुंची। और दुनिया की सैर में आज बात करते हैं बेहद खूबसूरत देश मंगोलिया की। तो थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगले हफ्ते हम इसी दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर सारा जहां।